अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बुलबुल के बच्चे जो हम काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे थे, 20 दिन से तकरीबन। तो पूरी स्टोरी उसके पीछे ये है कि तीन बच्चे थे, दो जो हैं वो गायब हो गए, उनकी डेथ हो गई या क्या सीन, वो गायब हो गए घोंसले से। एक बच्चा बचा, वो बच्चा जो है वो उसके माँ बाप उसकी हिम्मत करते रहे, मैं उसके घोंसले की पिक्चर वगैरह भी साथ साथ शेयर करता रहा था आपके साथ। तो उसके बाद अभी वो बच्चा ये हमारे पास है, देख सकते हैं। और आप समझते होंगे कि हम इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, असल में ये आज ना पिंजरे से गिरा था तो हमने इसे जो है इसमें डाल दिया है और हम इसकी खिदमत कर रहे हैं। इसके देख सकते हैं आप, इसकी जो है वो मम्मी पापा जो है ना वो शोर वगैरह कर रहे हैं, तो हम दूर हो जाते तो पिंजरे के पास आ जाते हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद कोशिश हमारी है कि ये अभी क्योंकि सही से उड़ नहीं सकता तो इसको बिल्ली वगैरह पकड़ के ले जाएगी, और हम चाहते हैं कि ये बच्चा अच्छे से सेहतमंद हो जाए तो उसके बाद फिर उड़ जाए। तब तक हम इसे इसी में रखने वाले हैं। देखें आप, ये जो है ना बुलबुल आ रही हैं नीचे, उन्होंने शोर मचाया हुआ है, लेकिन थोड़ी देर तक ये आदि हो जाएंगे इस चीज़ की उम्मीद है। और ये बैठी हैं दोनों, अभी ये पिंजरे के पास भी जाएंगे और साथ साथ आपको अपडेट करता रहूं। पहले ये अंडे में थे, तीन अंडे थे, उसके बाद तीनों अंडे टूटे, तीन बच्चे जो हैं वो निकले, दो बच्चे गायब हो गए थे, किस वजह से गायब हुए मुझे कुछ समझ नहीं आई इस हवाले से। वैसे इन्होंने मुझे लगता है अपने ग्रुप को बुला लिया कि ये हमारे साथ ज्यादती हो रही है तो आए, इन्होंने अपनी जो पुलिस फोर्स है ना उसको बुलाया। तो हम ज्यादती नहीं करने वाले बिल्कुल भी किसी किस्म की, हम तो बस उसके इनके बच्चे को जो है सेव कर रहे हैं ताकि बिल्ली वगैरह पकड़ के ना ले जाए। तो कुछ दिन तक जब ये मज़ीद बेहतर हो जाएगा, उड़ने के काबिल हो जाएगा अच्छे से, तो हम इसे खोल देंगे, लेकिन अभी यहाँ पे बड़ी गहमा गहमी हुई है।